हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू भाजी की रेसिपी, जो कि पूरी के लिए बनती है। तो मैंने गैस पे लिया है छोटा सा कुकर। कुकर में मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 कप पानी। आप अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू। आलू को मैंने क्यूब्स पीसेस में काट लिया है। फिर मैंने 3 आलू को लिए हैं। फिर 1/2 टीस्पून नमक मैं ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। उसके बाद मैं लिड को क्लोज करूँगी। क्लोज करके 4 या 3 विजल्स तक का वेट करूँगी। ये देखिए, हमारे 4 विजल्स आ चुके हैं। फिर हम इसको कुकर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर मैं इसके बाद गैस पे चढ़ा रही हूँ 1 कढ़ाई। हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: सूखी लाल मिर्च, करी पत्ता, अदरक चूर से कटा हुआ, प्याज, नमक और छोटा सा 1 पिंच हींग, चना दाल, उड़द दाल, राई, हल्दी पाउडर और 2 हरी मिर्च। फिर मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। तो कढ़ाई में मैं सबसे पहले ऐड करूंगी कुकिंग ऑयल। फिर मैं राई को और उड़द दाल को, चना दाल को गरम हुए तेल में ऐड कर रही हूँ। लाइक मैंने प्लेट को थोड़ी गलत प्लेट ली हुई है, सो इसलिए मुझे ऐड करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। सो मैं फिर भी इसमें ऐड कर लूँगी। फिर मैं इसमें हींग ऐड कर रही हूँ 1 पिंच हींग। फिर करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च, फिर हम इसको अच्छे से स्टिर करके ब्राउन होने तक पका लेंगे। ये मसाले ब्राउन होने चाहिए। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक से कटा हुआ अदरक। आप इससे बारीक काट सकते हो। मैंने दरदरा कटा हुआ अदरक को ऐड किया है। फिर 2 हरी मिर्च बीच से कटी हुई मैंने ऐड की है इसमें। फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज, बारीक से कटी हुई प्याज। मैं प्याज को इन मसालों के साथ अच्छे से स्टिर करके ब्राउन होने तक पका लूंगी। थोड़ा सा स्लाइटली ब्राउन होने तक पका लूंगी मैं इसे। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। नमक 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। फिर मैं इसे अच्छे से स्टिर करके पका लूंगी। और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ उबले हुए आलू। आलू को मैंने पहले से पका लिया था, थोड़ा स्टिर करके पका लूंगी। मैं आलू को इसी में थोड़ा सा मैश कर रही हूँ।
फिर हम लिड को क्लोज करके 5 मिनट तक पका लेंगे। और ये देखिए हमारी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो और रेसिपी अगर पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा ये रेसिपी आपको कैसा लगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया है लेमन से इसका टेस्ट थोड़ा डबल होता है, तो इसलिए मैंने इसे ऐड किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।